नमस्ते, मेरा नाम करण सावता गायकवाड़ है। मेरी पाठशाला का नाम जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला वड़गांव दादा हरी तहसील परली जिला बीड़ है। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं हिंदी पाठ का कुछ हिस्सा पढ़ने वाला हूँ। पाठ का नाम है दो लोगों कथा है। दूसरी कथा का नाम है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में नौ नौ रत्न है। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देख कर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में